मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने रविवार को मोहरीपुर स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं से अवगत हुए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर खाने की स्थिति, शौचालय, स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने वृद्धों से बातचीत भी किया। वृद्ध व्यक्तियों द्वारा वहाँ डॉक्टरों के समय से न आने की बात कही गई, जिस पर मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रतिमा एक स्वास्थ्य शिविर अवश्य लगाए जाए और वृद्धों की आंखों को चेक कराकर उचित दवा की व्यवस्था की जाए। इसके बाद मंडलायुक्त ने राजेंद्र नगर स्थित अंध विद्यालय में जाकर बच्चों से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि अंध बच्चों के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ऐसी चीज है जो हमारी तरफ से या प्रशासन की तरफ से हम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। और मेरा बहुत मानना है कि आपके इस विद्यालय के संचालन में आवाज नहीं जा रही। आपके विद्यालय के संचालन में जो लोग भी जड़ित हैं तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि बहुत कम लोग ढूंढे हैं जो अपने और अपने परिवार के अलावा भी दूसरों के बारे में सोच